अस्सलाम वालेकुम। हेलो यार, ते लियो मित्रों, ते लियो बकरियों, ते लियो की आले। ठीक हो ना? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारे प्यारे जानू मानू मजे में होंगे। तो इस टाइम पे आ चुके हैं हम लोग एक और नई मजेदार डिवाइस के साथ। यार बहुत सारे लोगों को ऐसी डिवाइसेस चाहिए होती है जो कि पीटीए, नॉन पीटीए और अच्छी प्राइस पे मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर इस टाइम पे मेरे पास है सोनी एक्सपीरिया 5 और अभी इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर पबजी की परफॉर्मेंस क्या है। 2019 की डिवाइस है, अक्टूबर में आई हुई, और अभी इसके अंदर गेम प्ले कैसा है, गेम वगैरह कैसी चलती है, और इस डिवाइस को इस टाइम पे लेना चाहिए या नहीं, इसका डिजाइन वगैरह कैसे, सारी की सारी चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप लोगों ने ये डिवाइस बाय करनी है तो उसके लिए व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, स्टॉक की वीडियो भी मैंने डाल दी है, उसमें भी आप लोगों को पता चल गया होगा, तो आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा भी और भी जो डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल होती है उन डिवाइसेस से रिलेटेड हम लोग ग्रुप के अंदर भी अपडेट देते रहते हैं। तो लेट्स मूव, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस डिवाइस के अंदर है क्या कुछ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 6.1 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल कैमरा है। कैमरा हमें नहीं चाहिए, मतलब मुझे कैमरा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को पबजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। अच्छा, 6GB रैम है इसके अंदर, स्नैपड्रैगन 855 लगा हुआ है। स्नैपड्रैगन 855 और 6GB रैम के साथ एक बहुत पावरफुल ये डिवाइस हो जाती है। तकरीबन 3200mAh की बैटरी है, 3200mAh की बैटरी है इसके अंदर, 2019 की डिवाइस है। अगर इस डिवाइस के अंदर हम लोग बात करें कि इसके अंदर हम लोगों को और क्या कुछ जरूरी चीजें मिलती है, सबसे पहले मैं आप लोगों को डिजाइन बता दूं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को फिंगर सेंसर मिल जाता है अगर हम लोग टच स्क्रीन मतलब टच यूज करना चाहते हैं फिंगर सेंसर। इसके अलावा हम लोगों को टाइप सी की यहाँ पर पोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें कहीं भी और कोई किसी किस्म का जैक नहीं मिलता। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों को वही स्प्लिटर वगैरह यूज करना पड़ता है। मैं तो वही यू ग्रीन का जो स्प्लिटर यूज कर रहा हूँ उसके लिए, अपने आईपैड के लिए वही मैं इसके अंदर भी जैक वगैरह करके यूज करता हूँ अगर मुझे यूज करना हो तो, बाकी अदरवाइज मैं मोबाइल पे कम ही गेम खेलता हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर 120Hz का डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है 120Hz का। अच्छा, स्क्रीन का जो साइज है वो इतना चौड़ाई में कम है बट इस तरीके से लंबाई में ना ठीक है, मतलब लंबा होना चाहिए, मोटे की जरूरत नहीं है। सीन मतलब ये कि हम लोगों को कंट्रोल्स इजीली होंगे खेलने में। इसके अलावा हम लोगों को इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, और गोरिल्ला ग्लास मतलब अगर आप लोग किसी का सर वगैरह फोड़ना है तो इसको कुछ नहीं होगा, अगले का सर टूट जाएगा। इसके अलावा जो चीज है हम लोग अभी चेक कर लेते हैं इसके अंदर गेम की क्या परफॉर्मेंस है। तो देखो यार, नई अपडेट भी आई हुई है और अपडेट के साथ गेम की परफॉर्मेंस क्या है और इस मोबाइल को लेना चाहिए या नहीं, तो मैं आप लोगों को बताऊं, बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छी गेमिंग मतलब आप लोग इसके साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह के साथ इस फोन को यूज कर सकते हो। हीट वगैरह होगा क्योंकि जाहिर सी बात है यार, इतनी पावरफुल चिप लगी हुई है, हीट वगैरह होता है थोड़ा बहुत, बट आप लोगों को लैग वगैरह वाला या उस फ्रेम ड्रॉप वाला कोई भी सीन देखने को इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो 90fps भी इसमें देखने को नहीं मिलते, बट गेम को लॉग इन कर लेते हैं ताकि हम आप लोगों को ज्यादा देर ना करनी पड़े। यहाँ पर गेम की लॉगिन का टाइम भी आप लोग चेक कर लेना, गेम के लॉगिन का भी कुछ खास ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अच्छा, इसके अंदर अपना गेमिंग मोड भी है, ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अभी अगर हम लोग इसको कम बैटरी यूज करना चाहते हैं, मतलब बैटरी लाइफ ज्यादा हो, तो ये 40Hz पे इसका डिस्प्ले चला जाएगा। अभी हाई परफॉर्मेंस पे है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये अपने FPS देगा, बट ज्यादा से ज्यादा भी ना ये बहुत अच्छे। इसके अंदर ग्राफिक्स के अंदर आप लोगों को एक मजे की चीज देखने को मिलेगी जो कि देखो, गेम बहुत जल्दी इसने लॉग इन की है, गेम के अंदर कुछ खास ये टाइम नहीं लेता लॉग इन होने में। गेमिंग मोड इसका ये हमेशा यहाँ पर ही रहेगा, स्क्रीन के ऊपर ही आप लोग इसको सेंटर में रख सकते हो या जहां पे आप लोग उंगली नहीं मारते ना मतलब, तो वहां पर रख सकते हो। तो अब हम लोग इसके अंदर, मैं आप लोगों को कुछ और चीजें चेक करा देता हूँ जो कि आप लोगों को इसके अंदर मजे की लगेंगी। सबसे पहले हम लोग इसके ग्राफिक्स के अंदर चले जाते हैं जो कि जरूरी चीज है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, ग्राफिक्स के अंदर आप लोग एक चीज देखते जाओ, एक्सट्रीम पे हमें स्मूथ मिलता है, ठीक है, एक्सट्रीम पे हमें बैलेंस भी मिलता है, ठीक है, HD भी हमें एक्सट्रीम पे मिलता है, HDR तक हम लोग एक्सट्रीम पे खेल सकते हैं। आप लोग ये सोच लो कि इस डिवाइस की कितनी मतलब पावरफुल होनी है ये डिवाइस जो कि एक्सट्रीम में HDR भी चलाता है, मतलब 60fps पे आप HDR तक चला सकते हो। मेरा iPad जो कि 1,00,000 से ऊपर का है वो नहीं चलाता, बट अब मैं इस डिवाइस की आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ। अगर आप लोग ये डिवाइस नॉन PTA बाय करते हो, पाकिस्तान में हो और नॉन PTA बाय करना चाहते हो, तो 37,000 तक की ये डिवाइस आप लोगों को या इसके राउंड अबाउट आसपास आप लोगों को ये नॉन पीटीए मिल जाएगी, और 45 के आसपास आप लोगों को ये पीटीए अप्रूव मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप आप लोग वहां से मतलब बात करके उनसे मंगवा सकते हो, आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी भी दे देंगे, उसका प्रोसेस भी वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ग्राफिक्स, आप लोगों ने देख लिए, इसके अंदर जो हम लोगों को एंटी अलियासिंग मिल जाती है, 2x मिल जाती है, बाकी यहां पर आप लोग जोन के जो कलर्स आप रखना चाहते हो, शेडोज को हम लोग
डिसेबल कर देते हैं, बट हम लोग स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलेंगे। स्मूथ एक्सट्रीम पे मैं आप लोगों को अभी छोटा सा एक इसका टेस्ट करा देता हूँ अरीना का। आप लोग एक चीज इसमें देख लेना, मैं प्रॉपर इसका रिकॉर्डिंग के साथ भी गेम प्ले डाल दूंगा नेक्स्ट, बट अभी मैं आप लोगों को इसका थोड़ी सी गेम प्ले चेक करा देता हूँ कि गेम प्ले इसका स्मूथ कितना है, जिस वजह से आप लोग ये डिसाइड कर पाओ कि इस डिवाइस को लेना चाहिए या नहीं। आप लोगों को एक चीज इसमें बहुत मजे की लगेगी जो कि इसका जायरो वगैरह है। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो, इसका जायरो कितना मजे का है, इसका गेम प्ले स्मूथ कितना है। स्मूथ एक्सट्रीम पे इसका गेम प्ले इतना स्मूथ लगेगा आपको, ऐसे लगेगा जैसे आप मलाई के ऊपर हाथ घुमा रहे हो। ओए होए 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 यार, यकीन मानो गाइस, इस तरह का गेम प्ले है ना इसका, जैसे कि आप लोग मलाई खेल रहे हो, मतलब मलाई पे हाथ यार। अरे 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 रे रे रे, ये चेक करो। आप लोग जैसे मर्जी कंट्रोल करना चाहो कंट्रोल कर सकते हो। अब ज़्यादातर लोग जो मोबाइल्स पे खेलते हैं उनको इसके गेम प्ले की समझ आ रही होगी कि इसका गेम प्ले उनको नज़र आ रहा होगा। और मोबाइल किसी किस्म की कोई हीट नहीं दे रहा, किसी किस्म का कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं कर रहा, कुछ भी इसके अंदर इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। आप लोग इस डिवाइस को बाय करना चाहते हो फॉर रिकॉर्डिंग्स या कंटेंट वगैरह बनाने के लिए, या अगर आप लोग एंड्रॉयड से भी स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहते हो, तो मैं ये बताऊं कि ये डिवाइस इतने पैसों में, ये इतनी पावरफुल चिप के साथ इतने मज़े की डिवाइस है। कैमरा के साथ भी अगर हम लोग बात करें तो कैमरा वगैरह भी इसके बहुत अच्छे हैं, बाकी की सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं। इसको हाई परफॉर्मेंस पर रख कर आप लोग खेल सकते हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आप लोगों को डिवाइस ये बाय करनी है तो आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी कोई डिवाइस बाय करनी है तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें सारी की सारी अपडेट्स वगैरह हम लोग देते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद है और वीडियो पसंद है तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। और अगर किसी और डिवाइस के ऊपर भी रिव्यू चाहते हो तो उस डिवाइस का भी नाम आप लोग लिख सकते हो, मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगा। अपने प्यारे प्यारे जानू मनु को मैं मिलता हूँ नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग इसका रिकॉर्डिंग के साथ टेस्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।